दोस्तों, इट्स माय डेली व्लॉग्स एपिसोड 3। तो आज के दिन हमारा प्लान है जी बहावलनगर जाने का। तो अभी मैं उठा हूँ तकरीबन आज 1:30 बजे। तो उठ के मैं रेडी शेडी हो गया हूँ, पैकिंग चेकिंग की है अपनी। तो अभी चल के नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, तो उसके बाद का प्लान मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यार बड़ी हड़बड़ी में मैं तैयार हुआ हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं था। नहा कर फौरी मैंने अपने कपड़े ठोंसे हैं बैग के अंदर। सफाई तो कर लो यार। ये देखें जी, ये इमरान भाई हमारे साथ ही जा रहे हैं, बल्कि हम इनके साथ जा रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं जा रहे। सफर कैसा गुजर रहा है आपका? ठीक गुजर रहा है? बेहतरीन। आपके सर पे ही जा रहे हैं सर, आपकी ये फास्ट ड्राइविंग जो है ना, इसकी वजह से बिल्कुल बेहतर है। इमरान भाई भी साथ तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं सफाई कर लो यार। बंदा पूछे गड्डी जी कड़ी सफाई करी है। तो बस टाइम बिल्कुल नहीं था, आज बड़ी मुश्किल से तैयार हूँ, बस सामान वगैरह रख के अब चलते हैं। रास्ते में आपको दिखाता जाता हूँ मैं सारा सफ़र कैसा जा रहा है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा तो यार, ये जो शोर अभी आप सुन रहे थे, ये है इन दो शिकारियों की वजह से। ये नन्हे मुन्ने से शिकारी कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, इनको पोइम्स लगा कर दी हुई हैं हमने ताकि बहले रहें। ये जो बिल्डिंग आपको पीछे नजर आ रही है, ये है उकाड़ा का थाना सदर ए डिवीजन। देख लें जरा इसे। ये इस वक्त हम नेशनल हाईवे मुल्तान रोड पे हैं और ये हम उकाड़ा के टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। तो बस टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं और उसके बाद आगे चीजें दिखाता चलता हूँ आपको मैं। छुक छुक करती ट्रेन जी। तो दोस्तों, साहिवाल पहुंच गया हूं मैं। ये साहिवाल की नहर है और साहिवाल से आगे बस चलते हैं, आपको दिखाता चलता हूं मैं और क्या क्या हमारे पास। झूले मैया प्ले लैंड। यार क्या मंजर है ये, क्या लश ग्रीन फील्ड्स हैं यार, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है यार ये। गुड ऑरेंज आर गुड फॉर यू, वी लव देम। एंड फाइनली हम बहावलनगर पहुंच चुके हैं। ये बहावलनगर का दरिया है, दरिया सतलुज, और इसके पुल से हम गुजर रहे हैं और यहाँ ढलते सूरज का एक दिलकश मंजर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये हमारी मंजिल आ गई है, टोल प्लाजा बहावलनगर आ गए हम, और यहाँ से बस आगे तकरीबन 5-7 किलोमीटर ही है शहर। तो बस पहुँच चुके हैं हम, ये टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया हमने। एक खूबसूरत मंजर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इससे लुत्फानंदोज होइए जरा आप। और जनाब ये है पुल फोडवा, बहावलनगर में एक नहर है फोडवा के नाम से, ये उसका पुल है जनाब। यहाँ पर बहावलनगर वालों की तरफ से खुशामदीद कहा जा रहा है सब लोगों को जो यहाँ आ रहे हैं। तो बहावलनगर पहुँच चुके हैं, ये एंटर हो गए हम इस वक्त। यहाँ पे एक नॉस्टैल्जिया आ गया जनाब। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है जी वो स्कूल जहाँ से मैंने मैट्रिक की है, बहावलनगर में कैनाल हाई स्कूल है ये, यहाँ से मैंने मैट्रिक की है, मेरी यादें वाबस्ता है यहाँ से। और ये इसके साथ है जी इसका फुटबॉल ग्राउंड, और बिल्कुल इसके साथ है इसका क्रिकेट ग्राउंड। ये ग्राउंड सब इलाका वालों के लिए खुला होता है, जो यहाँ खेलने आना चाहे खेल सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी क्रिकेट इन्हीं दो ग्राउंड्स में गुजारी है खेल के। मैं पहुंच गया हूं घर और अफ्तारी का टाइम बस हो गया, तो अफ्तारी लगी पड़ी है टेबल पे, चल चल के अफ्तारी वगैरह करते हैं और खाना शाना खाते हैं। इफ्तारी में जब तक तरह तरह के पकवान ना हो में, इफ्तारी का तो मजा आवे ना। ये ईदगाह हम सब बहन भाइयों के लिए लाए थे ताकि वो पुराने दौर वाली एक रवायत फिर से जिंदा हो जाए। जानी इफ्तारी शफ्तारी तो बड़ी कमाल की हो गई थी, खाना शाना भी खा लिया, तो उसके बाद महफिल एक लग गई, बड़ी रंगबाजियाँ चली, सारे बहन भाई इकट्ठे हुए, उनके बच्चे इकट्ठे हुए, तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। तो उसके बाद अब हमारे पास जो है, मैं आ गया था इधर अपनी बहन के घर, तो यहाँ पे आके
थोड़ा सा रेस्ट किया है और उसके बाद अब मैं आया हूँ यहाँ पे सहरी के वक्त दही लेने, तो दही लेते हैं और चलते हैं फिर घर। मेरी शक्ल देख के इस वक्त आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि आज का दिन किस कदर हेक्टिक था और आज बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ मैं। बस अब सोने की तैयारी करते हैं, सैरी वगैरह भी कर ली है और एकदम मस्त अब बस सोने लगा हूँ मैं, बहुत थक गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इसको एक छोटा सा लाइक कर देना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइमली पहुँचती रहे और आप देख के ऐसे ही इंजॉय करते रहें। चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।